ये तो घबराए हुए क्यों? ना ना मैं घबरा तो नहीं हूं, लेकिन पीछे तो रवि डांस चल रहा है। क्या फीलिंग है यहाँ पर आप लोग की वजह से आए हूँ? सीता मेहता मैम का प्रोग्राम तैयार हो रहा है। सुन मैम हाई बोल के जाना। रिएक्शन ब्लॉग बनाता हूँ मैं उन पहाड़ी लड़कियों के साथ। अच्छा। क्या ही इंट्रोडक्शन दें अपना और क्या बताएं आपको आज के दिन के बारे में। आज श्वेता महाराज जी आने वाली हैं। लास्ट टाइम मैंने रील डाली थी कि मेंशन करो ताकि उनको मालूम पड़े और 5 मिनट का ब्लॉग बन जाए। आज आने वाली हैं, वो दिन आज है और वीडियो दिन में शुरू कर रहा हूँ। नहीं पता मुझे कि ब्लॉगर नहीं रे, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड। उम्मीद भी नहीं है मिलेगी मुझे श्वेता मेहरा, देखने का मौका मिलेगा श्वेता महाराज जी को, उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जस्ट ट्राई ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ कि शाम को क्या पता वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए कि श्वेता मेहरा से मिलना पड़े, तो ये भी डालूँगा। कि अगर सिंपल भाषा में बोलो तो मैंने कुछ दिन पहले एक रील डाली थी कि श्वेता महाराज जी आ रही हैं, उनको मेंशन करो कमेंट बॉक्स में ताकि वहाँ तक रील पहुँचे और हमारे साथ वीडियो बना ले 5 मिनट। ऐसा रील डाला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, 30,000 लोगों ने देखी थी इंस्टाग्राम पे वो रील, और बहुत सारे लोगों ने मेंशन भी किया श्वेता मेहरा को। श्वेता मेहरा ने रिप्लाई भी किया, फिर अपना नंबर दिया, उनके मैनेजर ने अपना नंबर दिया कि हम बागेश्वर में आके कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन सोचा नहीं है कि श्वेता मेहरा जी सच में मिल जाएंगी, वो रिप्लाई क्या होगा मेरे को अभी तक लगा है। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, आज घर ही हूँ और जब शाम को श्वेता महाराज जी का प्रोग्राम होगा तब देखने जाऊँगा। अगर बाई चांस 1-2% अगर मिल गया श्वेता महाराज जी से तब ब्लॉग बनाऊँगा, वरना आज की वीडियो नहीं डालूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बाय चांस मिल जाती है 1-2 मिनट के लिए, दर्शन हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से शुरू करके रखा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अगर मिलेगी तो डालूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं डालूंगा, देखता हूँ क्या होता है। ये शाम हो गई है तो अब क्या दिखाएं फिर आपको, क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, हो रही तो शाम हो गई, ये देख लो लव बागेश्वर दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा। आई लव बागेश्वर, सब लोग बागेश्वर से प्यार करते हैं। यहाँ पर कह रहे वो हो रहा है अभी कहाँ क्यों नहीं चल रहा है ये जो, ये प्रोजेक्टर में यहाँ पर चित्रकलाएँ चल रही हैं, चरखा वर्क में मजे ले रहे हैं लोग, हम गरीब लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बच गए हैं, भीड़ कम नहीं हुई है अभी, लेकिन खाने के बाद और भीड़ हो जाएगी फील्ड में, अभी तो झीले वाले चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। हेलो विशाल बात भैया, क्या बताएं आज कितनी शर्म लग रही है। टाइम चल रहा है जब पता नहीं, मतलब टीका चंदन के लिए ये आ रहा है प्लेट, और ये चीफ गेस्ट रूम है जहाँ मेरे को बैठने का सौभाग्य मिला आप लोगों की वजह से। बिना आवाज निकाले दिल से बस शुक्रिया कह सकता हूँ, धन्यवाद सभी का बहुत। श्वेता मैम रेडी है डांस प्रोग्राम के लिए। श्वेता मैम क्या मतलब क्या फीलिंग है, मैं नहीं बता सकता, इधर आ रहे हैं सर और लोग भी हैं, क्या फीलिंग है यहाँ पर आप लोगों की वजह से आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रील में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया तो इस कमरे में बैठने का मौका मिला इन महान लोगों के सामने, मतलब मेरे सामने तो महान ही है। और मेरी फीलिंग श्वेता मैम सामने क्या फीलिंग है, क्या बताएं आपको।
यार भीड़ है, मतलब क्या बताएं क्या फीलिंग है। हाय बोल के जाना कंटिन्यू जाए ND24 सबकी बात सच के साथ, तो इनका स्पीच दे रहे हैं सर लोग। हम अंदर जाते हैं ना यहाँ, फीलिंग मतलब क्या फीलिंग है यार गाइस। एक भाई बोल रहे गुलाबी शराब सुन में आगे साउंड दादा थोड़ा सा ये चुभ रहा है माइक, थोड़ा सॉफ्टनेस करो। हेलो हेलो
2 मिनट बस से लेट करता हूँ। हाँ मैं भी आऊँगा, सब थोड़ी मैं भी आ जाऊँ, थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा शायद। अभी कर लूँ आपने देखा था मेंशन, लोगों ने मेंशन किया था साइड। अच्छा देखा था आपने। ये तो घबरा हुए क्यों? ना ना ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपके साथ। हाँ रिएक्शन ब्लॉग बनाता हूँ मैं उन पहाड़ी लड़कियों के साथ। अच्छा तो आपके साथ मान था ऐसा कह रहे थे तो मैंने ट्राई किया। 30,000 लोगों ने देखती रही आपके नाम पे। 30,000 यहाँ 9,000 है ना, थोड़ा सा कम होगा तो 1 मिनट में ब्लॉग बना लूँगा। आज कम पक्का मैम के साथ फोटो के लिए क्या बताएं, हमने वीडियो बना दी वही बहुत है। यहाँ तो फोटो के लिए घंटा लग जा रहा है, वो भी स्टाफ रूम के अंदर जो कि स्टाफ आते से अंदर। जब तक वो मंच पे मैंने आप लोगों की ताले नहीं रुकने चाहिए भाई, ताले दो क्या बताएं मतलब आपको मतलब इतना वो हो गया हूँ मैं आज अंदर से, मतलब खुश हो गया हूँ कि मैंने दोस्तों को भी आगे भेज दिया। अकेले जा रहा हूँ सोचते सोचते कि क्या मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी मोटी बात हो किसी के लिए भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअरों की मदद से मेरे को श्वेता मेहरा से मिलने का मौका मिला। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है, बहुत है, इतना बहुत है। इसके बाद कुछ भी ना होना चलेगा, इतना हो गया ऐसे ज़्यादा चाहिए भी क्या यार। ज़िंदगी में फिर मांगे मांग रहती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब इतना हो गया कि मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मदद से लोगों ने मेरे को श्वेता महरा से मिलाया, बस इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं कुछ, मतलब चाय भाड़ में, मतलब क्या नींद आएगी आज। ठीक है, मतलब जब किसी चीज़ के पीछे इतना टाइम दो फिर ये चीज़ मिले तो मज़ा आता है। तो ठीक है छोड़ो, ठीक है